देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और धीरे धीरे चुनावी पारा चढ़ने लगा है। लोकसभा चुनावों की घोषणा होते ही भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज भाजपा के आला नेताओं एवं कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के विधायकों की बैठक सांसद शांता कुमार की अध्यक्षता में धर्मशाला के निजी होटल में सम्पन्न हुई, जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के अधिकतर विधायक व सभी मंत्री मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा सांसदों को ही दोबारा चुनावी रण में उतारने के मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न पर शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश ने अपनी ओर से नाम भाजपा हम हाईकमान को भेजे हैं, जिस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को लेना है। शांता कुमार ने कहा कि कई सालों के बाद किसी भी राजनीतिक दल को केंद्र में पूर्ण बहुमत मिला है और इन 5 वर्षों में भाजपा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी और उसकी बड़ी डिटेल्ड तैयारी बड़े विस्तार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रदेश की बैठक हुई थी, उसमें कुछ कार्यक्रम बने। अब सभी लोकसभा क्षेत्रों की अलग अलग कार्यशाला हो रही है। इस कार्यशाला में हमारे कांगड़ा लोकसभा के 17 कंस्टिट्यूंसी 17 भाजपा मंडल हैं। उन 17 भाजपा मंडलों में कब कौन कार्यक्रम किस प्रकार से होगा, इसकी विस्तार से योजना यहाँ पर बन रही है। हम चुनाव के अंतिम समय तक सभी कार्यक्रम तय कर रहे हैं। उन कार्यक्रमों में विभिन्न मोर्चों के सम्मेलन है, उन कार्यक्रमों में लोगों के पास जाने की व्यवस्था है, तो सभी कार्यक्रमों की पूरी व्यवस्था आज यहाँ कांगड़ा चंबा 17 विधानसभा क्षेत्रों की पूरी योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। सर ऑलमोस्ट ऑल सारी चारों की चारों सीटें जो हैं लोकसभा प्रत्याशियों की लगभग फाइनल हैं और आप भी आपकी भी फाइनल है, तो उसके ऊपर सर आप पूरी तरह से तैयार हैं सर इसके लिए? देखिए, फाइनल नहीं है, प्रदेश ने अपनी तरफ से नाम भेजे। अंतिम निर्णय हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी और उसके बाद नोटिफिकेशन होगा, फिर नॉमिनेशन होगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल बदलने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है। हमने नीति को, हमने सारी योजना को शासन करवाया है। अब योजना ऊपर से अमीरों से नहीं चलती। ये पहला मौका है कि देश के सबसे अधिक अमीर लोग, उनको दिया तो कुछ नहीं मोदी जी ने, उनसे कुछ लिया है और सबसे नीचे के व्यक्ति के विकास की कोशिश हो रही है। तो एक नया युग, अंत्योदय का युग यहाँ शुरू हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि अब अगले 5 साल और भारतीय जनता पार्टी सरकार नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बनेगी, तो जिन योजनाओं को हमने शुरू किया है उन योजनाओं को पूरी तरह से लागू कर सकेंगे। और एक और बात है, एक तरफ चीन का संकट है, एक तरफ पाकिस्तान का संकट है। उन दोनों संकटों से निपटने के लिए जो एक शक्तिशाली देश सरकार और कठिन कठोर निर्णय लेने की हिम्मत रखने वाला प्रधानमंत्री वो आज हमारे पास है, तो मैं समझता हूँ कि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। मुझे लगता है देश के सभी सोचने वाले लोग, जिनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती है, ऐसे बहुत से मेरे मित्र हैं साहित्य में, इधर उधर लेफ्टिस्ट हैं। शांता कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस के पास देश में कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। शांता ने कहा कि आज देश में एक तरफ पाकिस्तान तो वहीं चीन का संकट है और इन दोनों से निपटने के लिए जो एक शक्तिशाली सरकार व प्रधानमंत्री चाहिए वे आज हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि यदि देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। चीन द्वारा मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने पर चीन द्वारा लगाई गई वीटो पावर पर शांता कुमार ने कहा कि विश्व जनमत उनके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है ये उन्हें नहीं पता। भगवान चीन को सद्बुद्धि दे। चीन के साथ सभी व्यवहारिक संबंध समाप्त करने के पर शांता कुमार ने कहा कि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। कांग्रेस द्वारा चुनावों में सेना के शौर्य को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने के आरोप पर शांता कुमार ने कहा कि भाजपा ने ऐसा कभी नहीं किया है और यदि सेना कोई बढ़िया काम करती है तो उसकी तारीफ क्यों ना की जाए। 4-5 साल के हमारे जो सारे कार्यक्रम हैं और सबसे बड़ी बात कि अब विकास जो है वो नीचे से, गरीब से, मजदूर से, किसान से हम शुरू कर रहे हैं और देश का गौरव, देश का सम्मान बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान के संकट के बीच भारत
अपनी सीमाओं की रक्षा करे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। विकास का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है। चीन ने जो है अभी मसूद अजहर को वीटो पावर के जरिए जो एक बार फिर वैश्विक आतंकवादी घोषित होने नहीं दिया, क्या इस पर आपको क्या लगता है कि भारत सरकार की कैसी जो पहल है आगे होनी चाहिए? किया है, मैं समझता हूँ विश्व जनमत उसके खिलाफ है। और अब कुछ बड़े देशों ने कह दिया है कि चीन यही करता रहेगा तो उस आतंकवादी के विरुद्ध कुछ और करने की आवश्यकता होगी। मुझे नहीं पता चीन ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान चीन को सद्बुद्धि दे, क्योंकि चीन स्वयं अपने देश में कुछ स्थानों पर आतंकवाद से परेशान है। चीन भी परेशान है, ये क्यों मदद कर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन चीन ने उसको बचाने की एक बार कोशिश की है। उससे दुनिया के अंदर पाकिस्तान और अधिक अकेला पड़ा है और चीन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि विश्व जनमत आज पूरी तरह भारत के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। तो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया एक होने की तरफ बढ़ रही है। क्यों उनका सामान जो इंडिया में लाया जाता है? चीन से सारे व्यापार के ताल्लुक खत्म करते हैं। वो भारत सरकार सारा विचार कर रही है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब किसके बारे में कौन सा एक्शन लेना है, ये बहुत सी बातों का विचार करके निर्णय करना पड़ता है। अब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातों का निर्णय अब हमने किया, ये सवाल हो सकता है कि पहले क्यों नहीं किया। हमें तो ये लगता है कि ये पहले कर लेना चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 बातें देश को सोचनी पड़ती हैं। दुनिया में 150 देश हैं, तो 150 देशों के साथ व्यवहार करते हुए किस देश के खिलाफ कब कोई कार्रवाई करनी है, तो देश का हित सोचकर जब जो जरूरी होगा वो भारत सरकार करेगी। थैंक यू वेरी मच।